हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है पाँच बजे से बट मैं पाँच बजे उठती हूँ अलार्म तो मेरा पाँच बजे बजता है पर मैं उठती हूँ सवा में ठीक है क्योंकि बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है इतना ज़्यादा भयंकर सर्दी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ और मैं जस्ट उठी हूँ सवा पाँच में उठती हूँ तो पहले मैं फ़्रेश होती हूँ दस मिनट मेरा उसमें टाइम जाता है एंड क्यों होता क्या है कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले गर्म पानी लगाती हूँ तो मेरा गर्म पानी हो गया था तो मैं गई फ्रेश हुई थोड़ा चेहरा वगैरह धोती हूँ उसके बाद अपने आप को ना इनर्जेटिक करती हूँ क्योंकि सर्दी में उठकर रेडी होना खुद को रेडी करना बच्चों को रेडी करना और सबसे पहला होता है क्या कि सुबह में ना उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था तो पाँच बजे अलार्म बढ़ता है तो मैं उठ के बैठती हूँ फिर ऐसे फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ उसके बाद मेरा मन होता है कि अब चलो उठना है भाई नाश्ता बनाना है बेटी का बेटी को तैयार करना है उसका सात बजे बहन आ जाता है तो उसके लिए उसको उठाने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैं फटाफट से गई स्वेटर पहनती हूँ क्योंकि सर्दी तो है ही इतना करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है आपके लिए ये फास्ट है बट मेरा काफ़ी समय लगा था तो कितना टाइम हो गया पौने चे एक अभी एक घंटा से ज़्यादा ही टाइम मेरे पास है आलू का रेडी करने के लिए ब्रेकफास्ट तो फटाफट से मैं किचन में आती हूँ सबसे पहले कुकर चढ़ाऊँगी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रात में कटिंग चॉपिंग करके रखती हूँ थोड़ा बहुत प्याज वगैरह कटिंग करके नहीं रखती हाँ जो भी थोड़ा बहुत है सब्ज़ी जैसे गोभी है तो गोभी को गर्म पानी में डाल के अच्छे से धो धा के रख देती हूँ आलू है तो आलू को छील देती हूँ पील करके उसको धो के रखती हूँ बट थोड़ा सा Uh, क्या होता है uh, सुबह में टाइम कम बचता है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं कुछ कुछ काम रात में ही करके रख लेती हूँ यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ तो यहाँ पे पानी भर के बाल्टी में गर्म पानी लगा के मैं चली जाती हूँ फिर से किचन में क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ऐसे इंडक्शन पे बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में पकने में तो उसके बीच में जो टाइम बचता है उसमें बहुत सारा काम मैं कर लेती हूँ तो आज आलू का बंदा हो भी था यानी कली फ्लावर तो कली फ्लावर को बनाने के लिए मैं रात में ही उसको निकाल के रख दी थी एंड अभी मैं क्या करी फटाफट फड़ से प्याज चॉप की उसके बाद उसमें आ, तड़का लगा दी हूँ अब मैं जा रही हूँ अपने नीचे पूजा रूम में तो मेरा एक क्वार्टर है आप लोग को पहले भी पता है होम टूर मैं ऑलरेडी दी हुई हूँ अगर आप देखना चाहते तो देखिए बहुत लोग पसंद कर रहे हैं मेरा वो क्वार्टर होम टूर तो यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ना रखती हूँ भगवान के लिए क्योंकि छोटा सा क्वार्टर है है तो ऐसे बहुत बड़ा क्योंकि आंगन बड़ा है फील्ड बड़ा है बट जहाँ पर मैं रहती हूँ मतलब जो हमारा घर है तीन रूम का है एंड छोटा छोटा मतलब लगता है फील होता है तो उसके कारण नीचे बेसमेंट में काफ़ी जगह है तो मैं अपना सारा रखती हूँ अपना फ्रिज और डिस वॉशर वॉशिंग मशीन एक चौकी भी रखा हुआ है कूलर भी रखा हुआ है ट्रंक भी रखा हुआ है तो वो बहुत बड़ा एरिया है तो वही एक सेक्शन उस पूजा का मैं रखती हूँ उसमें मैं पूजा करती हूँ तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ गर्म पानी क्योंकि अभी आरू को उठाना है तो सबसे पहले मैं उसको गर्म पानी देती हूँ पीकर ही उठती है नहीं तो अदरवाइज़ वो उसका नींद ही नहीं खुलता है तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब्जी डाल के झाड़ू लगाना स्टार्ट करिए सब चीज़ पहले नहीं हो पाता ऐसे बहुत लोग बोलेंगे अरे आपको पहले झाड़ू लगाना चाहिए था तो नहीं हो पाता मैं कैसे कैसे करती हूँ मैं सुबह में मतलब नींद में बहुत ज़्यादा ही रहती हूँ झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई फिर से अपना सब्जी बनाने में प्रोसेस में लगी रहती हूँ बीच बीच में लग चलाती हूँ छोड़ती हूँ चलाती हूँ छोड़ती हूँ तो अभी सारा मसाला वगैरह डाल के एंड टाइम तो आई थिंक पौने छः हो रहा था सवा छः साढ़े छः तक मेरा सब्ज़ी बन जाता है रोटी भी बन जाता है क्योंकि मैं बीच बीच में गैप ले ले के करती हूँ पहले आरू को उठाती हूँ फिर आती हूँ आटा गूंधती हूँ फिर उसको रोटी बनाती हूँ तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया है जी को अभी ड्यूटी है छः बजे से तो वो जाते हैं साढ़े छः में कभी छः बजे से रहा तो कभी साढ़े छः कभी छः बजे भी निकल जाते हैं तो दोनों के लिए पानी लेकर जा रही हूँ एंड उठाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है आई थिंक सबके लिए और मेरी बेटी भी सिर्फ छः सात साल की है तो होता क्या कि छोटी है बहुत मेहनत लगता है उठाने में और बहुत मुझे ना उस पर दया भी आता है मैं क्या ही बताऊँ मतलब सुबह सुबह सर्दी का टाइम है, मैं कैमरा से देखती रहती हूँ भी अंधेरा है बिल्कुल अंधेरा रहता है और अभी अंधेरा था भी तो मैं उसका वाटर बोतल भर रही हूँ उसको दो तीन आवाज़ लगा के जाती हूँ तब तक वो थोड़ा सा उठती है उसके फादर भी उसको उठाते रहते हैं उठो उठो तो, उठो तो, तब वो उठने के लिए थोड़ा सा ना प्रिपेर होती है यहाँ इसका बोतल भर के उसको साइड में रख दूँगी ताकि ये बोतल छूट ना जाए ऐसे आज तक तीन साल से पढ़ रही है एल के जी यू के जी वन तो आज तक मैं नहीं छोड़ी हूँ कभी भी टिफिन और लंच बॉक्स कभी नहीं छूटा हाँ कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स छूट जाता है तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल अंधेरा है और मेरे पीछे का लाइट भी नहीं चला हुआ जो मेरा आंगन है तो मैं फटाफट से रूम में गई एक दो आवाज़ आरो को लगाती हूँ फिर लाइट जला के वापस से आती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अंधेरा है क्योंकि एक तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा

बहुत मेहनत लगता है बहुत ज्यादा एक तो बहुत मतलब मतलब क्या कहूँ बहुत दया भी हमको आता है तो यहाँ पे मैं उसका पानी दे रही हूँ वो उठ गई है रोती है कभी 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 कभी, कभी, कभी चुपचाप उठ जाती है तो हमेशा इसका मूड जैसा रहा पर्या तो बस अभी ये पानी पिएगी और कंबल भी उड़ाना होता है ये बोल रही कि कंबल डालो पैर पे तो अभी कंबल पैर पे डाल के वो दस मिनट टाइम लेगी पानी पीती है धीरे धीरे नींद में होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है बट कोई बात नहीं है मेरी सब्जी बन गई है पानी डाल के मैं इसको सिटी लगाने के लिए छोड़ दी हूँ अभी मैं बाहर में थोड़ा खोल के ना झाड़ू लगाती हूँ आगे वाला रूम क्योंकि बेटी जब चली जाती है तो झाड़ू लगाना नहीं चाहिए ये सोच के ना मैं उसके रहते भर में ही झाड़ू वगैरह इतना भी काम होता है वो सारा कर लेती हूँ ऐसे मेड आती है बट वो आती है बहुत लेट यानी साढ़े ग्यारह के बाद ही आती है तो मैं सुबह में एक बार झाड़ू लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ हमेशा से ही लगाती हूँ जब आरू छः मंथ की थी या जब हुई थी जब मैं हमेशा लगाती हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा है बहुत अंधेरा था और सब जगह बड़े बड़े लाइट्स जलते हैं हम लोग का जो एरिया है तो यहाँ पे लाइट नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लगेगा तो बाहर में बड़ा बड़ा लाइट लगाना पड़ता है एंड यहाँ पे आर उठ गई है एंड ये मेरा सुबह के पाँच बजे से ले कर बजे तक का ही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करी हूँ अगर अदरवाइज़ अगर मैं पूरा रात तक करूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आई थिंक मुझे मैं बहुत ज़्यादा कट करती हूँ मतलब फ़ास्ट रखती हूँ फिर भी बहुत बड़ा हो जाता है तो चलिए फटाफट से आरो को रेडी करते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ से यहाँ पे इनका नाश्ता निकाल रही हूँ क्योंकि इनका छः से दो रहता है बट आते तीन बजे से पहले कभी नहीं है तो सुबह मैं इतना जल्दी जल्दी खाने का मन नहीं करता तो मैं इनका लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ एंड ये लेके चले दो में एक रोटी रहता है सेक्शन एक सब्जी का एक में थोड़ा बहुत नट्स वगैरह दे दी तो बहुत है अगर ये खाते नहीं हैं तो ये सब मैं देख के उनको चलाऊंगी बट उसके बाद मुझे आरू को भी रेडी करना है तो उसका पहले मैं सबसे पहले उसका लंच रेडी करके उसके बैग में डाल देती हूँ क्योंकि होता है कि अगर मैं इधर छोड़ दूँगी तो एकदम डेफिनेटली भूल ही जाऊँगी होता है कि मेरा आदत है भूलने का तो मैं क्या करूँगी उसको रख के फिर फटाफट से आरू को फ्रेश करके ब्रश करवा के और सुबह का टाइम है नहीं नहलाना है अभी तो बस उसका हाथ पैर धो के जैसे वॉश कर लेती हूँ उसके बाद फटाफट से उसको ड्रेस बनाती हूँ एंड मेरा ना थोड़ा सा मूड खराब था आज सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था बहुत परेशान हो रही थी आज मैं सबसे पहले हुआ कि आप कि मुझे उठी तो पता नहीं क्या हुआ था थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब हो गया था एंड उसके बाद अनूप जी अपना फ़ोन छोड़ दिए थे उसके बाद मेरा आज वॉक करने से बिल्ली रास्ता काट दी थी तो बहुत मतलब ये गड़बड़ हो जाता है एंड आज भैन भी बहुत यस यस मुझे याद आया कि आज मना मेरा वैन आता था सात पाँच में आज पौने सात में आ गया तो यहाँ पे मैं बहुत हड़बड़ में थी तो बाकी वगैरह चीज़ मैं बाकी सूट ही नहीं कर पाई आरू को भेजने के बाद मैं यहाँ पे सारा उसका अरेंज कर रही थी जैसे तैसे रखा रहता है फेंक भीक के वो जाती है कुछ कुछ मैं भी हड़बड़ में फेंक देती हूँ तो यहाँ पे सबको अच्छे से अरेंज कर रही थी एंड उसका जो भी खोल के जाती है वो कपड़े जो एक दिन पहनती है उसको मैं दूसरे दिन आती है तो ज़रूर पहनाती हूँ उसके बाद मैं वॉश करती हूँ ये देखिए अभी भी मौसम कैसा है एकदम बादल बादल है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है एंड उसको भेजने के बाद अरेंज करने के बाद अनूप जी भी चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा वॉक करने जाती हूँ मेरी फ्रेंड्स आती है तीन चार उनके साथ फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ वॉक करने तो मैं अभी बस बाहर ही देख रही थी कि भाई बहुत सर्दी है एंड ये देखिए मेरे हसबैंड हड़बड़ में हमेशा फ़ोन छोड़ के जाते हैं और उनका आदत है वो भी भूलते हैं मैं भी भूलती हूँ बट इतना तो उन लोगों को ध्यान होना चाहिए ना कि फ़ोन एटलीस्ट लेकर जाए बट कोई बात नहीं कोई ना कोई ज़रूर आएंगे और वो उनके थ्रू अपना फ़ोन मंगवा लेते हैं तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ और खिड़की खोल के छोड़ दे रही हूँ ताकि आवाज़ आए कोई आते हैं तो आवाज़ देंगे तो मैं उनको दे दूँगी तो मेरा वॉक करने का टाइम हो गया था मैं सात बजे मेरी बेटी जाती है सात दस में मैं निकलती हूँ तो यहाँ पे मैं एक गिलास पानी पी रही थी मैं भी फ्रेश हो ही जाती हूँ तो मैं एक गिलास पानी पी के फिर चल जाती हूँ वॉक पे एंड वॉक का मैं नहीं कुछ दिखा सकती क्योंकि मेरी फ्रेंड्स रहती है और मैं किसी को बता ही नहीं हूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बस यहाँ से निकली और फटाक से मैं मतलब आपको तो पता ही नहीं चलेगा बट मैं तुरंत वापस भी आई थी आई थिंक मैं सात सात दस में निकलती हूँ और आठ बजे हमारे घर में लाइट वापस आती है तो मैं वापस आ जाती हूँ तो यहाँ पर मैं सूज़ खोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ तो आके दस मिनट आराम से बैठती हूँ एंड कभी मैं उसका भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कि मैं मॉर्निंग में वॉक कहाँ करती हूँ कौन कौन मेरी फ्रेंड्स होती हैं मैं मीट अप तो नहीं कराती मतलब मीट तो नहीं करा सकती मिलवा नहीं सकती बट मैं दूर से सूट जरूर करूंगी तो यहाँ पे सूज रखने की बात अपना स्लीपर पहन के फटाफट से किचन में जा रही हूँ अपना मॉर्निंग टी ले रही हूँ मॉर्निंग टी में मैं मैं दूध का चीज़ नहीं लेती हाँ मैं यहाँ पे लेमन टी लेती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा पेट हल्का रहता है ऐसे बहुत अदरवाइज बहुत एसिडिटी हो जाता है और उसमें देखिए ये मेरा प्यारा प्यारा पुदीना है निकला है बहुत सुंदर लगता है इसको लगाए हुए आई थिंक मुझे एक साल हो गया होगा बट ये ग्रो नहीं कर रहा अच्छे से तो गमले में तो ग्रो भी कर रहा है मैं जो नीचे लगाई हूँ मतलब जो ज़मीन पे लगाई हूँ वो अच्छे से ग्रो ही नहीं करता है और ये सब मेरे प्लांट्स हैं जो इस बार मैं लगवाई हूँ हर साल हमारे घर में प्लांट्स लगते हैं जो बरसात का होता है ठंडा का होता है वो सब लग जाता है यहाँ पे देखिए जो छोटा ग्रो किया हुआ है ना ये पुदीना है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता इसलिए मैं बहुत जगह लगाती हूँ एंड एक यहाँ पे लगा दी हूँ यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पे भी लगा हुआ है दो तीन जगह यहाँ पे लगा के मैं देखिए धूप आ गया तो मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ चाय मेरा चढ़ा हुआ तो थोड़ा टाइम लगता है आपको पता है इंडक्शन पे टाइम लगता है तो मैं बाहर थोड़ा वॉक कर रही थी एंड कोई नहीं होता आसपास एकदम फ्री फ्रीडम इतना ज़्यादा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मुझे फ़ील होता है यहाँ पे क्योंकि मुझे ना मतलब पहले जहाँ रहती थी वहाँ उतना फ्री फील नहीं करती थी बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ पे मैं बस एक दो बार तीन बार चार बार टहलूँगी उसके बाद अंदर चली जाऊँगी क्योंकि मेरा चाय भी रेडी हो चुका होगा तो यहाँ पे मेरा चाय रेडी हो गया है फटाफट से इसमें मैं नींबू डालूँगी फटाफट से बैठ के बहुत मतलब इतना करते करते मेरे को टाइम कितना हो जाता है नौ तो बज ही जाता है क्योंकि और उसके बाद मैं क्या करती हूँ बैठती हूँ फ़ोन चलाती हूँ चाय पीती हूँ और इन्जॉय करती हूँ एंड इसलिए मैं थोड़ा छोटा व्लॉग बनाई हूँ ताकि आप भी देखें ज़्यादा बोर नहीं फील करें आप तो मैं आप ज़रूर बताना कि मेरा आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बस यहाँ पे बैठती हूँ अपने मिरर में आपको देख रही हूँ बाय बाय कर रही हूँ ताकि कल फिर हम लोग मिलेंगे दस बजे के बाद ठीक है तो कर नहीं तो अच्छी से वीडियो के साथ टिल दिन बाय बाय